जो भी ये वीडियो देख रहा है उसके लिए एक चैलेंज है मेरे पास। क्या तुम एक ग्लास कॉकरोच का दूध पी सकते हो? अब सवाल आता है कि जब गैया भैंस बकरी का दूध पहले से है दुनिया में तो कॉकरोच का दूध पीना क्यों है? और दूसरी बात, इसको निकालते कैसे होंगे? देखिए वैसे कॉकरोच अंडे देते हैं, लेकिन दुनिया में सिर्फ एक ही प्रजाति है कॉकरोच की, पैसिफिक बीटल, जो के बच्चे देती है, और इसीलिए ये अपने बच्चों को दूध पिलाकर बड़ा करती है। इन कॉकरोचेस के दूध में नॉर्मल गाय भैंस के दूध से 4 गुना ज्यादा प्रोटीन होती है और 3 गुना ज्यादा कैलोरीज होती है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के भरे होते हैं, इसीलिए साइंटिस्ट इसको नेक्स्ट सुपर फूड की कैटेगरी में रखे हैं। अब गाय भैंस बकरी का दूध तो निकल जाता है, लेकिन इतने छोटे कॉकरोच का दूध कैसे निकालते हैं? ये जो दूध होता है सॉलिड क्रिस्टल्स के फॉर्म में कॉकरोच के पेट में इकट्ठा होता है। इसके लिए कॉकरोच को पकड़ के उसके पेट को काटा जाता है और इसमें से उसको बाहर निकाल लिया जाता है। सिर्फ 100 ग्राम दूध के लिए लगभग 1000 कॉकरोच का पेट काट दिया जाता है। यार जब पहले से ही हमारे पास इतना दूध है और जिसमें हम जानवरों को मारते भी नहीं है, तो पेट काट कर दूध निकालना कहां तक जायज है, ये कमेंट्स में